दोस्तों अक्सर हम टाइमिंग चेन वगैरह लगाते हैं और लगाने के बाद उसमें खट खट की साउंड आने लगती है, तो ये जब टाइमिंग चेन हम लगाते हैं तो इस जगह पे एक रोलर लगा हुआ था, बड़ा रोलर। तो जब हम नया लगाते हैं तो कभी कभी रोलर जो है बोल्ट में फंस जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जब भी टाइमिंग चेन लगाएं तो इसे हल्का से लूज़ कर लें और गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट रहने दें, उसके बाद उसे धीरे 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 करके टाइट कर दें, वो आवाज़ बंद हो जाएगी। अक्सर मैं देखता हूँ जब भी टाइमिंग चेन गाड़ी को चेंज करता हूँ तो चेंज करने के बाद खट की एक्स्ट्रा साउंड आने लगती है, तो जो रोलर रहता है बीच में वो टाइमिंग चेन के सहारे नहीं घूम पाता, इस कारण वो आवाज़ आने लगता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो रोलर बोल्ट है उसे लूज़ करके दोबारा टाइट कर देंगे। ये जो टाइमिंग चेन है और इस ये रोलर इस जगह पे लगता है, इसका बोल्ट में जो लगता है वो क्या होता है कि जब टाइमिंग चेन घूमती है ना तो वो रोलर कभी कभी जाम हो जाता है, या तिरछा घूम जाता है या बोल्ट में जाम हो जाता है, तो वो रोलर घूम नहीं पाते, इसलिए वो खटर खटर की साउंड आने लगती है। तो आपको उसे ठीक करने के लिए जब गाड़ी का टाइमिंग चेन चेंज करें तो हल्का सा 10 नंबर का बोल्ट लूज़ करें, और लूज़ करने के बाद उसे धीरे 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 टाइट करें, हल्का सा एक्सीलेटर लेके इंजन को रेस कर दे, नहीं तो हल्का एक्सीलेटर लेके उसे टाइट करें, वो आवाज़ बंद हो जाएगी। अक्सर गाड़ियों में जब भी टाइमिंग चेंज चेंज होता है तो ये प्रॉब्लम अक्सर आती है, और ये ट्रिक हमेशा लोगों को करना चाहिए। अगर आप मैकेनिक भाई हैं तो आपको ये ट्रिक करना चाहिए, इससे आपका आवाज़ बंद हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा।